अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। तो लास्ट टाइम मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि टमाटर के साथ कौन सा कोरमा बनता है, तो आज मैं बीफ कोरमा बना रहा हूँ, दही वाला। तो क्योंकि घर में कुछ गेस्ट आए हुए हैं तो ये टास्क मेरे जिम्मे लगाया गया है। किचन बिल्कुल फारिग नहीं था तो मुझे यहाँ पर बैठ कर एक जुगाड़ करके तो सालन बनाना पड़ रहा है। तो साथ साथ मैं अपने दोस्तों को दिखाऊंगा कि मैं किस किस रेसिपी के थ्रू जो है ना इसको लेकर चल रहा हूँ। तो आए चले स्टार्ट करते हैं। गोश्त अब हमने डाल दिया है, अभी हम थोड़ा सा जब इसका कलर चेंज होगा तो साथ इसके ऐड कर देंगे हम लहसुन और अदरक का पेस्ट। ऑयल मुझे लगता है ज्यादा डल गया है। अब ये प्याज ब्राउन करके ना दही के साथ चॉप करके तो अब ये इसके अंदर हम डाल रहे हैं। ये अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं कोरमा मसाला, और मजीद इसमें कोई चीज हम ऐड नहीं कर रहे, नमक मिर्च कुछ भी नहीं, सिर्फ ये मसाला ही डाल रहे हैं बस। अब थोड़ी देर इसके अंदर भुनी आएगी और फिर हम इसको जो है ना पानी डालकर इसको हल्की आंच में पकाएंगे। इसमें हमने तकरीबन सारे इंग्रेडिएंट्स पूरे कर दिए हैं, पानी और प्याज चॉप हुए, दही के साथ फ्राइड और लहसुन वगैरह। तो जैसे जैसे आप साथ देखते रहे, अब हमने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है क्योंकि कुकर को हमने कर दिया बिल्कुल एलिमिनेट। तो ये अब हल्की आंच पर इसके ऊपर बनता रहेगा, तो फिर जब ये तैयार हो जाएगा फिर हम आप देखते हैं। अभी हम ऐसे इसको ढक्कन देकर, आँच नीचे लगी हुई है, इसको ऐसे बंद करके रखते हैं। व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह जो बीफ कोरमा है वो रेडी है, तो अब हम इसको जो है ना इंजॉय करेंगे। तो आप भी अपने घर में ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।